हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईपीएल से जुड़ी एक और वीडियो में। दोस्तों अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं आईपीएल का मेगा ऑक्शन शुरू होने में। ऐसे में आईपीएल की सभी टीमों ने अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आईपीएल 2022 में दो नई टीमों की एंट्री होगी, वो टीमें हैं लखनऊ और अहमदाबाद। और दोस्तों दोनों ही टीमों के पास 90-90 करोड़ रुपए हैं। ऐसे में ये दोनों टीमें ऑक्शन में से खिलाड़ियों के ऊपर बड़े दाव लगा सकती हैं और उन्हें अपने टीम में ले भी सकती हैं। और आपको ये भी बताया था कि लखनऊ टीम के कप्तान कौन बन सकते हैं और नंबर 3 और नंबर 4 पर कौन से खिलाड़ी खेलेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से खिलाड़ी हैं जो लखनऊ के टीम में एज अ ऑलराउंडर के रूप में खेलेंगे और लखनऊ की टीम उन्हें अपने टीम में लेना भी चाहेगी आईपीएल के ऑक्शन में से। तो दोस्तों यह जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और अगर आप भी मेरी तरह क्रिकेट के फ़ैन हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े वाले फ़ैन हैं, अगर नहीं भी हैं फिर भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर खबर मैं आपको देता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि दोस्तों लखनऊ की टीम आईपीएल में एक नए टीम के दौर पर आ रही है, तो इन्हें अपने टीम को नए से बनाना पड़ेगा, जो आगे जाके 3-4 सालों तक इन्हें पीछे मुड़कर देखना ना पड़े। तो ऐसे में लखनऊ की टीम कुछ अच्छे ऑलराउंडर की तलाश में रहेगी आईपीएल 2022 के ऑक्शन में, जो उनकी टीम को मजबूती प्रदान करे। ऐसे में दोस्तों कुछ बेस्ट ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं जो आईपीएल के ऑक्शन में शामिल रहेंगे और जिनके ऊपर बड़ा दाव भी लग सकता है आईपीएल में। तो दोस्तों ऐसे में लखनऊ की टीम इन खिलाड़ियों को ज़रूर अपने टीम में लेना चाहेगी। तो दोस्तों आइए जानते हैं वो कौन से खिलाड़ी हैं। जिस खिलाड़ी का नाम सबसे ज़्यादा चर्चे में है वो है दोस्तों बेन स्टोक। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड के बेहतरीन ऑलराउंडर बेन स्टोक। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम ही होगा कि दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडरों में बेन स्टोक का नाम आता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस बार आईपीएल के रिटेंशन में उनकी टीम राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें रिटेन नहीं करके हम सभी को हैरान कर दिया। शायद इसकी वजह उनकी चोट है। जी हाँ दोस्तों, साल 2021 के आईपीएल में बेन स्टोक आईपीएल नहीं खेले थे अपनी टीम राजस्थान रॉयल्स से। ऐसी खबर निकल के आ रही थी कि उनके चोट के कारण ही राजस्थान की टीम इस बार उन्हें रिलीज़ कर दी। आपको बता दें कि साल 2021 के T20 वर्ल्ड कप में भी इंग्लैंड टीम का हिस्सा नहीं थे बेन स्टोक, पर दोस्तों अभी के समय में वो काफ़ी बेहतर स्थिति में है और इंग्लैंड की टीम में उनकी वापसी भी हो गई है और वो ऐसे टेस्ट सीरीज़ खेल भी रहे हैं। ऐसे में वो साल 2022 के मेगा ऑक्शन में मौजूद रहेंगे, तो हो सकता है कि लखनऊ की टीम उनके ऊपर एक बड़ा दाव लगा के उन्हें अपने टीम में लेना चाहेगी। आपको बता दें आईपीएल में बेन स्टोक के नाम 2 शतक भी हैं और आपको 2 से 3 ओवर बॉलिंग भी, मतलब गेंदबाजी भी करके दे सकते हैं वो। ऐसे में आईपीएल की हर एक टीम उनके पीछे जाना तय है, पर दोस्तों लखनऊ इनके पीछे कुछ ज़्यादा बड़ा दाव लगा के अपने टीम में ज़रूर लेना चाहेगी, क्योंकि इनको आगे के 3-4 साल तक एक अच्छी टीम को बिल्ड करना है। तो हो सकता है कि लखनऊ की टीम इनके पीछे जाए। अगले खिलाड़ी की बात करें तो वो है दोस्तों वेस्टइंडीज़ के धाकड़ ऑलराउंडर जेसन होल्डर। जी हाँ दोस्तों, जेसन होल्डर एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। यह एक ऐसे ऑलराउंडर है जिन्हें कोई भी टीम ऑक्शन में से लेना चाहेगी। जेसन होल्डर किसी भी टीम के लिए नंबर 7 नंबर 8 के विकल्प के रूप में खेल सकते हैं। दोस्तों जेसन होल्डर एक ऐसे ऑलराउंडर है जो पूरे 4 ओवर गेंदबाजी करते हैं और बल्लेबाजी भी किसी भी पोजीशन पर कर सकते हैं। वैसे इनका आइडियल पोजीशन नंबर 7 या नंबर 8 ही रहता है, तो इन्हें लखनऊ की टीम 2022 के ऑक्शन में से ज़रूर लेना चाहेगी। जेसन होल्डर के आ जाने से लखनऊ की टीम को एक अच्छा होगा कि उनको एक अच्छा गेंदबाज मिल जाएगा और एक अच्छा बल्लेबाज भी मिल जाएगा और एक फिनिशर की भूमिका भी लखनऊ के लिए निभा सकते हैं जेसन होल्डर। दोस्तों वैसे अमूमन कोई भी टीम नंबर 8 पर एक गेंदबाजी खिलाती है, पर जेसन होल्डर एक ऑलराउंडर डायनामिक पैकेज है जो नंबर 8 पर भी आके बल्लेबाजी कर सकते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जेसन होल्डर के नाम टेस्ट में नंबर 7 पर आकर दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड है। दोस्तों लखनऊ की टीम जरूर जेसन होल्डर को 2022 के ऑक्शन में से लेना चाहेगी। और अगले खिलाड़ी हैं दोस्तों जिमी निसम। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड के बेहतरीन ऑलराउंडर जिमी निसम एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं जो मैचेस को फिनिश करना जानते हैं और किसी भी टीम को 2 से 3 ओवर गेंदबाजी भी करके दे सकते हैं। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के लिए जिमी निसम पिछले 5 सालों से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आईपीएल में इन्हें ज़्यादा मौका तो नहीं मिल सका,
पर साल 2021 में ये मुंबई इंडियंस से खेले थे और उसके पहले किंग्स ऑफ पंजाब का भी हिस्सा थे। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप में जिमी निसम ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया जिसके वजह से इनका नाम चर्चे में है। और दोस्तों आपको बता दें कि इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए लखनऊ की टीम इन्हें भी जरूर ऑक्शन में से लेना चाहेगी। अगर बेन स्टोक नहीं मिले तो जिमी निसम, मतलब ये तीन ऑलराउंडर में से तो किसी दो को तो जरूर पिक करना चाहेगी लखनऊ की टीम अपने टीम में। तो दोस्तों यह कुछ खिलाड़ी थे जिन्हें लखनऊ की मैनेजमेंट खरीदना चाहेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।